हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस कमाल के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 10 फ्यूचरिस्टिक से लेकर कूल गैजेट्स जो आपके डेली लाइफ के कामों को कर देंगे बेहद आसान। साथ ही इन्हें परचेस करने के लिए इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए आखिर तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए हमारे फैमिली का हिस्सा। साथ ही बेल आइकॉन को भी रख लीजिए ऑल पर ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। अच्छा, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। G2T एयर कूलर। दोस्तों, घर में जब भी हमें गर्मी होती है तो हम फैन या फिर AC मतलब एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, लेकिन जब हम आउटडोर में होते हैं तो वहाँ पर गर्मी से बचने के कोई चांसेस नहीं होते सिवाय कार AC के। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए G2T एयर कूलर को बनाया गया है जो आपको गर्मी से काफी हद तक बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये होता है एक पोर्टेबल नेक एयर कूलर जो इजी टू यूज, लाइट वेट और किसी भी एनवायरनमेंट में आसानी से काम कर सकता है। मतलब ये आपको गर्मी के सीजन में ठंडी हवा प्रोवाइड कर सकता है, साथ ही ठंडी के दोनों में हीटर का भी काम कर सकता है, जो कि ओवरऑल 2-in-1 प्रोडक्ट है। अच्छा, तो गाइस, इसे यूज करने के लिए बस आपको इसे अपने गले में डालकर अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट कर देना होगा, जिसके बाद ये आपको कूल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए दिया गया है एक टर्बो बटन, साथ ही कूलिंग और हीटिंग का स्लाइडर आपको इसके नीचे देखने को मिलता है। और इसमें लगी हुई बैटरी होती है रिचार्जेबल, जिसे आप पावर बैंक से और स्मार्टफोन के चार्जर से आसानी से चार्जिंग कर सकते हैं। वैसे गाइस, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ गले में कूलिंग देने से क्या हमारी पूरी बॉडी कूल हो सकती है? तो देखिए गाइस, हमारे गले में काफी सारे नर्व्स रहते हैं जिसे कूलिंग देने से हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट होता है, बस इतनी सी बात है। तो गाइस, आपको ये कूलर कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। वाला बॉट DIY। दोस्तों, जब भी घर में कंसील्ड वायरिंग में हो या पाइपलाइन में कोई भी दिक्कत आती है तो उस पर्टिकुलर हिस्से को एक्यूरेटली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम ना ही दीवार में डले हुए वायर्स को देख सकते हैं और ना ही पाइपलाइंस को। बट अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब एक ऐसा गैजेट आ चुका है जिसका यूज करके आप अपने वॉल में डले हुए सारे पाइपलाइंस और वायर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मिलिए इस गैजेट से जिसका नाम है वालाबॉट DIY, जो एक RF टेक्नोलॉजी से बना हुआ गैजेट है जो आता है काफी छोटे साइज में, जिससे कि यह पोर्टेबल हो जाता है। और इसे सेटअप करने के लिए आपको बस इस डिवाइस को स्टिक करना होगा अपने स्मार्टफोन के पीछे, साथ ही साथ इस डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर लेना होगा, जिसके बाद सीधे आपको स्कैनिंग के कार्रवाई में लग जाना होगा। मतलब वॉल को स्कैनिंग करने लग जाना होगा, जिसके बाद उस वॉल में डले हुए सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स और मेटल के पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स को आप इजीली अपने स्मार्टफोन में विजुअलाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और गाइस, आखिरी बात, इस डिवाइस को आप एंड्रॉइड के बजाय किसी और डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि एप्पल। खैर, तो गाइस, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ चुका है तो इसकी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ग्रेव स्टार स्पीकर। तो अगर आप एक डिफरेंट टाइप के ब्लूटूथ स्पीकर को अपनाना चाहते हैं तो मिलिए आज के इस अमेजिंग फ्यूचरिस्टिक ब्लूटूथ स्पीकर से, जो नॉर्मल स्पीकर के मुकाबले काफी हाईटेक और लुक वाइज काफी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ये स्पीकर अब तक का पहला फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आने वाला स्पीकर है, जो सच में गाइज मुझे भी पर्सनली काफी अच्छा लगा। खैर, तो आप जरा देख लेते हैं इसे यूज करने के बारे में। तो इसे यूज करना होता है बेहद आसान। आपको बस इसे अपने मोबाइल फोन से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके गानों को प्ले कर देना होगा, जिसके बाद इसमें से म्यूजिक का आउटपुट आपको पावरफुल बेस और ट्रेबल के साथ मिलता है। साथ ही उसमें चल रहे म्यूजिक के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए आपको इस पर एक टच स्क्रीन वॉल्यूम स्लाइडर मिलता है, जिस पर आप उंगलियों को स्लाइड करके वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ ही इसके सर पर आपको 3 और बटन देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक होता है पावर बटन और दूसरा TWS पेयरिंग। मतलब आप इसी तरह के स्पीकर से इस स्पीकर को आपस में पेयर करके स्टीरियो मोड में म्यूजिक को सुन सकते हैं। और तीसरा होता है इसमें लगे हुए LED लाइट्स को ऑन करने वाला, और इसे चार्ज करने के लिए आपको यूज करना होगा Type-C पोर्ट का। अच्छा, तो गाइज, अगर आपको स्पीकर पसंद आ चुका है तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। मैक टॉप। वैसे तो लैपटॉप को चार्ज करना होता है काफी इम्पोर्टेंट, लेकिन उसे सही जगह पर चार्जिंग के लिए रखना भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार आप टेबल पर लैपटॉप को तो चार्जिंग पर रख देते हैं बट उसका चार्जिंग केबल जमीन पर लटकते हुए होता है, जिसकी वजह से उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, जिसके बाद कभी कभार उसमें पैर अटक कर पूरा लैपटॉप ही नीचे गिर जाता है। तो अगर आप अपने लैपटॉप को गिरने से बचाना चाहते हैं तो ये मैक टॉप आपको इसमें काफी मदद कर सकता है, क्योंकि ये होता है एक मैग्नेटिक कनेक्टर। मतलब इस कनेक्टर के दोनों एंड वाले हिस्से पर लगे होते हैं मैग्नेट्स। खैर, तो गाइस, इसे यूज करना होता है बेहद आसान। आपको बस इसके एक हिस्से को चार्जिंग पिन में और दूसरे हिस्से को सीधे लैपटॉप में कनेक्ट कर देना होगा, जिसके बाद आपका लैपटॉप चार्ज होने लग जाता है।
तो अब देख लीजिए कि ये कनेक्टर आपके लैपटॉप को गिरने से किस तरह से बचाता है। तो गाइस होता तो बस ये है कि जब भी आपका पैर चार्जिंग केबल में फंस जाएगा तो इस कनेक्टर में से चार्जिंग पिन आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें लगे होते हैं मैग्नेट्स, और हाँ उतने पावरफुल मैग्नेट नहीं कि वो डिस्कनेक्ट ही ना हो पाए। वैसे गाइस इस कनेक्टर को यूज करने पर लैपटॉप के चार्जिंग टाइम और आउटपुट करंट बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होता। अच्छा तो गाइस इसके अल्टरनेटिव की परचेज लिंक नीचे दी गई है। एक्सेंट वियर, ये प्रोडक्ट स्पेशली लड़कियों के लिए ही बना हुआ है, जो होता है एक अट्रैक्टिव सा हेडफोन जिसमें दो बिल्लियों के कान लगे होते हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं उन कानों में दो एक्सटर्नल स्पीकर के साथ ही साथ ब्लू कलर वाले LEDs भी मौजूद होते हैं, जो कि ओवरऑल एक आई कैचिंग लुक को क्रिएट करते हैं। अच्छा तो गाइस अब देख लेते हैं इसका सेटअप। तो आपको करना होगा बस अपने मोबाइल फोन से इस हेडफोन को कनेक्ट वाया ब्लूटूथ की मदद से, जिसके बाद ये हेडफोन आपको प्योर बेस के साथ म्यूजिक सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। साथ ही इस हेडफोन के कानों में लगे हुए स्पीकर्स की क्वालिटी और आउटपुट साउंड काफी हद तक अच्छा होता है। हालांकि ये हेडफोन्स खास करके बने हुए हैं पार्टी में यूज होने के लिए, बट आप इसे यूज कर सकते हैं इवेंट्स में और आउटडोर पर्पस, जिसे अगर आप पहनकर रास्ते पर निकलेंगे तो लोगों की नजर बस आपके इन हेडफोन्स पर ही होगी। खैर तो गाइज आप इसी तरह के कूल हेडफोन को 2700 रुपीज में परचेज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। iWalk पावर बैंक, दोस्तों एप्पल के स्मार्टफोन्स भले ही स्टेटस सिंबल क्यों ना हो, लेकिन उसके यूजर्स को बैटरी कैपेसिटी में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि आईफोन में आने वाली बैटरी का MAH मतलब मिली एम्प आवर कैपेसिटी काफी कम होती है, मान के चलो 3900 mAh, जो अगर एंड्रॉइड फोन की बैटरी में देखा जाए तो इससे दो गुना ज्यादा पावर मिलती है। खैर तो गाइज अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपके लिए पेश है iWalk पावर बैंक, जो काफी छोटे साइज में आता है, जिसमें इनबिल्ट हुई बैटरी होती है 900 mAh की, जिसमें फुल चार्ज होने पर आप अपने आईफोन को लगभग दो बार फुल चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में पावर बैंक्स काफी तरह के मौजूद होते हैं, बट उन पावर बैंक से इस पावर बैंक में खास बात यह होती है कि इसे यूज करने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल चार्जिंग केबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस पावर बैंक के बॉडी में ही छुपा होता है चार्जिंग केबल, जिसे आप सीधे बाहर निकाल कर अपने प्यारे से आईफोन को चार्ज कर सकते हैं। वैसे पावर बैंक बना है सिर्फ आईफोन डिवाइसेस के लिए, बट आप इसे सैमसंग S7 प्लस में भी यूज कर सकते हैं। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसे बनाने में यूज किया गया है स्मूथ रबराइज्ड प्लास्टिक मटेरियल का, साथ ही इसे ट्रैवलिंग के दौरान अपने साथ कैरी करना भी काफी आसान होता है। खैर तो गाइस इसकी ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। क्लिक चेयर, गाइस चेयर्स हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले एक रिलैक्सिंग सोर्स होते हैं, मतलब हम जब भी घर में होते हैं तो सोफे पर या फिर कुर्सी पर ही बैठते हैं, लेकिन अगर आउटडोर की बात की जाए तो वहाँ पर इंडोर में यूज होने वाले चेयर बिल्कुल भी काम नहीं आते, क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं होते, साथ ही उनका साइज भी काफी बड़ा होता है। खैर तो गाइस जब आप एक ऐसे चेयर को देखने वाले हैं जो पोर्टेबल होने के साथ ही साथ आती है बस एक वाटर बॉटल के साइज में, जी हाँ गाइस, जिसे बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ आउटडोर यूज के लिए। अच्छा तो गाइस अब देख लीजिए इसे बॉटल से कुर्सी में किस तरह से बदला जाता है। तो आपको कुछ इस तरह से इसे अनपैक करके क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद चेयर आपका वजन संभालने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाती है। हालांकि गाइस इस कुर्सी का साइज भले ही छोटा है, लेकिन आप इस पर 300 lbs तक मतलब 136 किलोग्राम तक का वेट आसानी से डाल सकते हैं, जो कि गाइस काफी अमेजिंग है। तो अगर आपको ये चेयर पसंद आ चुकी है तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। गोल 0250, दोस्तों अगर आपको चाहिए एक ऐसी टॉर्च जिसमें आपको हर एक इम्पोर्टेंट फीचर्स मिले, तो आपके लिए पेश है गोल 0250 टॉर्च, जो मार्केट में आने वाले टॉर्चों से बहुत ही अलग है, और उसका रीजन है इसमें मिलने वाले मल्टीपल फीचर्स। जी हाँ, इसमें आपको एक दो नहीं बल्कि काफी सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसमें आने वाले फीचर्स की गिनती। नंबर वन, इसमें आपको 4400 mAh की लिथियम पॉलीमर की रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिलती है। नंबर टू, इसमें आपको तीन डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स मिलते हैं, जो कि है फ्लैश लाइट, स्पॉट लाइट और रेड लाइट। नंबर थ्री, इसमें आपको तीन तरह के इनपुट पावर सोर्स मिलते हैं, मतलब सोलर पैनल, बैटरी पावर, साथ ही साथ हैंड क्रैंक, जिसे घुमाकर आप फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी से टॉर्च को ऑन कर सकते हैं। और नंबर फोर, इसे आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस को भी इजीली चार्जिंग कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलते हैं। खैर तो गाइस ये टॉर्च फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है, बट फिलहाल अनअवेलेबल है, लिंक आपको नीचे दी गई है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो पसंद आ चुकी है तो उसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।